ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, मासिक राशिफल कुंभ राशि के लिए। आज के वीडियो में चार ग्रह मुख्य रूप से इस अगस्त के महीने में जो अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं अगस्त के महीने के अंदर, उसका कुंभ राशि के संपूर्ण जीवन पर आर्थिक, पारिवारिक, धन समृद्धि, विद्या भाव, संतान भाव, सभी क्षेत्रों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, यह सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो उससे पूर्व आपको ग्रह गोचर की अवधि से जो है रूबरू होना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहा है, ताकि आप हकीकत को, सत्य को जान सकें और किसी भी प्रकार की और बातों में न फंसे। तो मित्रों, आप अपने वीडियो के अंदर सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति को देखिए। देखिए मित्रों, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले आपके योग कारक और आपकी राशि के मालिक शनि महाराज अभी धन भाव में आपके सेकंड हाउस में विराजमान होने वाले हैं। चतुर्थ भाव में यानी कि मेष राशि एक नंबर के ऊपर बृहस्पति और राहु युति बना करके बैठे हुए हैं। इस महीने लगभग 7 अगस्त को शुक्र महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम सेवेंथ हाउस के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र आपको बहुत कई प्रकार के लाभ दिलाने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध की जो स्थिति है इसको शुभ नहीं कही जा सकती। इस गोचर के अंदर सूर्य लगभग 17 अगस्त को जो है आपके अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे। अष्टम भाव जिसको मृत्यु भाव बोलते हैं, और अष्टम भाव में आने के कारण से यहाँ पर सूर्य की स्थिति कई चीज़ों में कुछ समस्या पैदा करेगी, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसके बाद में बुध, अगर सूर्य के बाद बात करें मंगल की, तो मंगल लगभग 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की जो स्थिति बनेगी ये आपके नवम भाव में भाग्य के घर में बनेगी, और मंगल की जो स्थिति है आपके लिए बेहद अनुकूल है। इसके साथ में चंद्रमा भी आप मंगल के साथ में देख सकते हैं कि 6 नंबर के ऊपर यानी कि कन्या राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, और दशम भाव में केतु की स्थिति बड़ी शानदार है। 10th हाउस में आपकी राशि के लिए, मकर राशि के लिए जो केतु महाराज हैं अत्यंत योग कारक, उन्होंने ग्रह स्थिति का निर्माण कर दिया है। तो ये पूरे के पूरे 9 ग्रहों का एक प्रकार से यहाँ चार्ट बना हुआ है। अब हम बारी बारी बात करते हैं कि कौन सा ग्रह क्या प्रभाव करेगा आपके, किस भाव को किस प्रकार से वह आपको लाभ या प्रॉफिट देगा। तो मित्रों, उससे पहले मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो भी माश्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SBTSS यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ में जिस भी जातक को जन्म पत्रिका परामर्श की आवश्यकता हो, अपनी ग्रह दशा जानना चाहते हो, या आपको कौन सा रत्न धारण करना है, क्या गतिविधि करनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या समस्या है, इत्यादि सभी चीज़ों के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। यदि हम बात करें शारीरिक गतिविधि की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य आपका इस महीने इस अवधि में अनुकूल है, ठीक ठाक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपके लग्न के मालिक शनि महाराज आपसे दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। सेकेंड हाउस में शनि की जो स्थिति है यह धन परिवार का साथ दिलाती है, व्यक्ति को धन संचय करने में जो है समस्याओं को दूर करती है और वाणी को उग्र भी बनाती है। साथ में व्यक्ति जो बोलता है जिह्वा पर उसकी जो वाणी होती है वह थोड़ी कठोर हो जाती है, उग्र हो जाती है। ये शनि की स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। इसके अलावा धन भाव के जो मालिक है, शनि की स्थिति अनुकूल है ही आपके लिए, यानी कि धन से जुड़े हुए मामलों में प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसके बाद में आप चतुर्थ भाव को देख सकते हैं। अपने परिवार के सुख के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों ही चांडाल दोष निर्मित करके आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब चतुर्थ भाव जो होता है भूमि का, मकान का, वाहन का, माता का और माता के स्वास्थ्य का। अब यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात और भी है, जिधर यहाँ पर आप ये मान के चलिए यदि आप पर राहु या बृहस्पति की महादशा या अंदर दशा चल रही है तब आपको ये बैड इफेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपको जिस अगर शुभ ग्रह की मार्गदशा चल रही है तो आपके ऊपर शुभ ही परिणाम होगा। सपोज करके चलिए यदि आपके ऊपर बृहस्पति की या राहु की दशा है तब आपके भवन, भूमि, वाहन इत्यादि संबंधित चीजों में समस्या हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति राहु दोनों की कंडीशन फिलहाल गोचर के अंदर ठीक नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके सप्तम भाव में कर्क राशि के ऊपर बैठे हुए हैं और शुक्र की यकीन मानिए ये स्थिति बेहद अनुकूल है। यदि आप पर शुक्र की महादशा है तो अब आप सुन लीजिए आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं इस समय अवधि में।
मित्रों आकर्षक व्यक्तित्व इस समय शुक्र महाराज की कृपा से बनता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वाणी में भी स्थिरता आती है और वाक शक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। व्यक्ति केवल अपनी वाणी के द्वारा बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर लेता है, यहाँ तक कि सामने वाले व्यक्ति स्त्री पुरुष को सम्मोहित कर लेता, बड़े बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त कर लेता है। अब क्योंकि सेवेंथ हाउस होता है पार्टनरशिप का, एक प्रकार से व्यवसाय का भी बात होता है, तो यहाँ पर शुक्र का जो मुख्य रूप से प्रभाव है आपके नौकरी व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। शुक्र की स्थिति व्यवसाय को उन्नत बनाती है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ दिलाती है, यदि नहीं कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में इस समय की कोई कार्य की आप शुरुआत करते हैं, किसी के सहयोग से कार्य करते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें डे बाय डे जो इनकम होती है यानी दैनिक इनकम होती है, जिनका डेली रूटीन में सेल्स का बिजनेस है, उनके लिए यहाँ का जो ये शुक्र महाराज की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल और बहुत अच्छी बेहतर हो जाती है। यानी डे बाय डे डेली इनकम के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर शुक्र का गोचर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुक्र की दशा यदि आप पर लगी हुई है तो शुक्र की दशा में आप मालामाल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की, जो कि आपको उपाय भी करने हैं इनके लिए, और सूर्य और बुध दोनों की ही स्थिति आपकी राशि चक्र के अंदर अष्टम भाव में बनी हुई है। कार्य में रुकावट, टेंशन उत्पन्न होना और कभी कभी कार्यों में बुद्धि साथ ना देना, बार बार कार्यों को हमें करना है अपनी मानसिकता से करना है और हम हर बार लॉजिक लगा कर कार्य को करते हैं और विफल हो जाते हैं। ये इसके कारण से होता है क्योंकि सूर्य और बुध दोनों के दोनों अष्टम भाव में हैं। अब बुद्धि के लॉजिक के तो मुख्य रूप से बुध और सूर्य दोनों ही कारक होते हैं, ऐसे में शारीरिक परिश्रम ज़्यादा मेहनत देगा, मानसिक परिश्रम कम मेहनत देगा, उसमें आपको चिंता भी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी और आप ओवरलोड अपने दिमाग पर पूरी तरह से डाल लेंगे। मंगल और चंद्रमा ये आपके नवम भाव में है, जबरदस्त युति, बहुत अच्छा फल इनका आपके राशि चक्र के अनुसार होने वाला है, क्योंकि मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल हालांकि मकर लग्न वालों के लिए केंद्र के स्वामी हैं और इसके अलावा आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, तो इसलिए स्पेशल मकर राशि के लिए यहाँ मंगल अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं क्योंकि लाभ के मालिक होते हैं। अब यहाँ नवम भाव में आने से इनकी चतुर्दृष्टि जाती है आपके विदेश यात्रा यानी कि बारहवें घर पर। अब यहाँ पर भार से संबंधित जो भी जिन भी चीज़ों से आवागमन आपका होगा, कार्य से संबंधित कई चीज़ों में आवागमन होगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, आप थोड़ा आस्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, भगवान में विश्वास आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, पितृ भक्ति भी आपके अंदर कहीं ना कहीं समय अवधि में बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि आप अपने पिता की समय अवधि में सेवा करते हुए नजर आएंगे या उनके लिए कुछ अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता को किसी उपहार, किसी कपड़े को गिफ्ट कर सकते हैं जिसे भी धारण कर सकें और अपने निजी जीवन में उसको यूज कर सकें। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, छोटे भाई बहन से संबंध मधुर हो जाते हैं और वे आपका किसी जरूरत के समय पर आपका किसी भी रूप में साथ दे सकते हैं, ये दिखाई देता है। अब आते हैं केतु की बात पर। केतु आपके दशम भाव में विराजमान है तुला राशि के ऊपर। केतु की स्थिति बड़ी शानदार हो जाती है मित्रों आपके लिए, क्योंकि केतु यहाँ पर बिजनेस में चार चांद लगा देते हैं, व्यापारियों के लिए नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर केतु की स्थिति बना देती है। केतु यहाँ पर बैठ करके, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यदि बृहस्पति राहु की दशा है तब आपको भवन, भूमि, वाहन इत्यादि चीज़ों में समस्या होगी, परंतु वहीं पर यदि आपके ऊपर केतु की महादशा लगी हुई है तो केतु इस समय आपके राज्य भाव में दशम भाव में जबरदस्त फल हो सकता है आपके साथ में। केतु की महादशा या अंतरदशा होने पर आपको भवन, भूमि या वाहन की प्राप्ति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट थी तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको कामकाज में एक वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है और मन का जो लगाव है वो आपके बिजनेस के प्रति, आपके कार्य के प्रति, या मुझे कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, कुछ बेहतर करना है, इन सभी चीज़ों में आपका मन लगा हुआ हो सकता है। बात करें आपके प्रेम प्यार की, आपके संतान भाव की, तो वहाँ के मालिक होते हैं शुक्र महाराज और शुक्र की स्थिति अभी फिलहाल केंद्रगत है। यहाँ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रेम को अपने विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार के आपके मन में जो भाव है तो यह कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पंचम भाव के मालिक होकर के आपके विवाह भाव के अंदर यहाँ पर शुक्र की स्थिति बनी हुई है और वह किसी भी प्रकार से ग्रहों से पाप प्रभावित रही है। यह समय अवधि एक दूसरे के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे,
एक दूसरे के साथ में प्यार भरी बातें कर सकते हैं। कुछ पुरानी बातें निकल करके आ सकती हैं, कुछ पुरानी अच्छे लम्हों को आप याद कर सकते हैं किसी पर्यटक स्थल पर। और मैं ये कहूँ कि क्योंकि केंद्रगत है, आप अपने आसपास के किसी परिक्षेत्र में किसी अच्छी जगह किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जा करके आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और उपहार भी आदान प्रदान होंगे, यानी कि गिफ्ट्स वगैरह भी एक दूसरे को आप दे सकते हैं। तो प्रेम प्यार की स्थिति भी काफ़ी अनुकूल है। और सप्तम भाव के मुख्य मालिक चंद्रमा महाराज तो सवा दो दिन में वैसे ही परिवर्तन करते रहते हैं। यहाँ पर अब मुख्य बात करते हैं हमारे उपायों की, हमें उपाय क्या करके चलना चाहिए। उपाय के अलावा धन खर्च की स्थिति की भी आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके खर्च के मालिक होते हैं। चतुर्थ भाव में कुटुंब परिवार सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च होता है। अब मुख्य रूप से उपाय की बात करते हैं, उपाय क्या करना। जैसे कि आपको बताया कि मैंने सूर्य और बुध की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं है, प्रत्येक दिन या फिर केवल रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। रविवार के दिन आपको जल में रक्त चंदन लाल चंदन मिला करके थोड़ा सा गुड़ डाल करके उससे आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इसके अलावा बुधवार के दिन आपको दूबड़े को पीस करके उसका हरी उसकी हरी चटनी बना करके उसका जल अर्क निकाल करके कपड़े से छान कर उससे भी आपको भगवान शंकर को बुधवार के दिन अर्पित करें, उनका अभिषेक करें। और अपने राशि के स्वामी श्री शनि महाराज के मंत्रों का जाप करें और शनि महाराज की शरण में अवश्य जाएं, क्योंकि मकर कुंभ और मीन इन तीन राशियों पर शनि की साढ़े साथी के तीनों चरण चल रहे हैं। तीनों चरण का मतलब यह है कि मीन पर पहला है, कुंभ पर दूसरा है, मकर पर तीसरा चरण है। हालांकि आपको तीसरे चरण में शनि यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि में शनि जब हमारे सेकेंड हाउस में आ जाते हैं तो जो भी कुछ हमें परेशान किया, जो भी व्याधि थी उसको पूरा करने का समय यहाँ पर शनि महाराज देते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर या कॉल कर सकते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।